बेटियों को, दोस्तों को, साथियों को और तमाम जितने भी देखने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी जान से प्यारे पाकिस्तानी हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। शक्लें यहाँ पर बैठी हुई है, कितनी प्यारी प्यारी तैयार होकर तमाम लड़कियां और खवातीन यहाँ पर आई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, अल्लाह बच्चों को इतना दूर बिठाया, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को। तो जी ईद जो होती है हमारे यहाँ, ईद को एक ऐसा त्यौहार समझा जाता है जिसमें हर चीज हमें नजर आती है, यानी कि सबसे पहले तो कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी के जज्बे के बाद जो हम चीज देखते हैं वो है मोहब्बत और इंकिसारी, अल्लाह से अपने परवरदिगार से मोहब्बत। और उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो ये है कि गरीबों का ख्याल, कि जी सारा साल हम गोश्त खाते रहते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, इस काबिल रखा है कि वो सारा साल गोश्त खाते हैं, वो दूसरों को गोश्त बांटते हैं, उन लोगों को जो कि सारा साल गोश्त बहुत कम खाते हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं खाते, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को कुछ भी हो कहीं ना कहीं से रिस्क मुहैया करता ही है, क्योंकि ये वादा तो अल्लाह ने ही किया है इंसान से। लेकिन जी हज के बाद जो हमें एक तोहफा मिलता है, और हज मुबारक उन तमाम लोगों को जिन्होंने हज किया है, तो हज के बाद जो हमें एक खूबसूरत तोहफा मिलता है वो है ईद उल अज़हा का तोहफा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियाँ, जो कि हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह के लिए अपनी राह में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करीब तरीन जान से प्यारी चीज़, जान से ज़्यादा जो अज़ीज़ चीज़ हो उसको कुर्बान कर देने का जज्बा क्या होता है। और जी इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और अब अगली उसके अगला स्टेप देखते हैं कि जी इस खूबसूरत वाक़े को अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की लाजवाल मोहब्बत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह से लाजवाल मोहब्बत को एक ऐसा रुकन बना दिया गया, या एक ऐसा त्यौहार बना दिया गया मुसलमानों के लिए, जो कि उनके लिए बहुत ही अज़ीज़ बल्कि अज़ीज़ और सबसे ज़्यादा अहम त्यौहार है, यानी कि ईद उल अज़हा, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद का त्यौहार। लेकिन हमारे यहाँ कुछ आजकल ये होने लगा है कि हम ज़ाहिर एक रिवायत अब चल पड़ी है कि जी कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, कुछ लोग पालते हैं, उसके बाद ज़बह करते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग चांदात को जाके लेते हैं, कुछ लोग ईद के बाद लेते हैं, कुछ लोग ईद के दूसरे दिन लेते हैं क्योंकि ज़रा सस्ता हो जाता है जानवर। तो होता यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हैसियत के मुताबिक बकरा या गाय या ऊँट भी लोग लेते हैं, चार बकरे, दो गाय, बैल वैल, तो अपनी हैसियत के मुताबिक लोग लेते हैं। लेकिन होता यह है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करने लगे हैं, जो सिर्फ दिखावा चाहते हैं कि जी लोग वाह वाह करें, बस लोग वाह वाह करें। लेकिन देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें जो है आपकी नीयत जो होती है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो वो चीज़ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो फिर ज़रा मुश्किल बात है, वैसे कबूल करने वाला तो अल्लाह ही है। लेकिन कोशिश ये करें कि कोई भी ऐसा काम, नेक काम जो आप अल्लाह के लिए करें, चाहे वो कुर्बानी ही क्यों ना हो, तो उसमें अपनी नीयत यही रखें कि ये हम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है ना, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि जी लोगों को दिखाना है कि हम सबसे बड़ा मोहल्ले का बैल लेकर आए हैं, हमारे घर सबसे बड़ा बकरा आया है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है और अक्सर मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि बच्चों को जब बड़े खुश होते हैं कि अरे बकरा आएगा हमारे घर बकरा आएगा, बहुत सारे बच्चे मोहल्ले में बकरे घुमा रहे होते हैं, और कई जगह पर ऐसा होता है कि बच्चे खुश तो बड़े होते हैं लेकिन जब बकरा आता है तो छोटा बकरा देख के बच्चों के मुँह लटक जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं पूरे मोहल्ले में इतने बड़े बड़े बकरे, हम ये छोटा बकरा कैसे ले जाके घुमाएं। तो जी उन लोगों से ये इल्तिजा है कि ये कुर्बानी तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, किसको कितना अजर अल्लाह ताला देता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कोशिश ये करें कि नीयत यही हो कि जी हमने ये कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी है, बजाय इसके कि लोगों को दिखाने के लिए करनी है। तो जी अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब फरमाए। आमीन से आमीन। जो हमारा सबसे बड़ा मसला है और वो है कसाई भाई। कसाई भाई को ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही मुश्किल हो जाता है जैसे चांदात को चांद ढूंढना मुश्किल होता है, चांद नजर नहीं आ रहा था। ईद का
का चांद नजर नहीं आ रहा होता और कसाई भी बिल्कुल ईद का चांद हो जाते हैं, जो कि ढूंढ ढूंढ के थक जाए लेकिन मिलते नहीं, और फिर उसके बाद जो वो पैसे बताते हैं तो इतना ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, इतना ब्लैकमेल करते हैं कि लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। और इसी चीज़ से घबरा कर अक्सर तो खानदान वालों ने खुद ही कुर्बानियाँ करनी शुरू कर दी हैं, और बहुत सारे ऐसे जो झूठे कहूँ या क्या कहूँ है, नकली कसाई बहुत सारे ऐसे नकली कसाई भी होते हैं जो कि कसाई बनकर आ जाते हैं, काम उनका कुछ और होता है लेकिन वो कसाई बनकर आ जाते हैं सिर्फ इस सीजन में कमाने के लिए। तो जी रिस्क की फरावानी होती है हर एक के लिए, हर कोई कसाई बना घूम रहा होता है। तो आप लोगों के साथ हुआ कभी ऐसा कि जी है हुआ तो भाई माइक में बताएं क्या हुआ और क्या टिया पांजा किया आपके बकरे या गाय का कसाई ने, क्योंकि वो सबसे पहले बोटियां खराब करते हैं और औरतें चीख रही होती हैं हाय चापे छोटी काट दी, हाय चूरा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे हस्बैंड खुद कुर्बानी करते हैं घर में, गाय खुद ही काटते हैं, कसाई नहीं आता हमारे। कभी कसाई ने कब खराब किया गोश्त किसी? नहीं नहीं, कसाई आते ही नहीं, खुद काटते हैं। नहीं वो तो मुझे पता है ना कि खुद काटते हैं, आपने बता दिया। अब मुझे बताएं कभी किसी ने कि गो है? अच्छा आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। सास के यहाँ कुर्बानी थी ऊँट की, अब वो जिनको बुलाया गया था वो ऐसी अनाड़ी कर थे, आए हाय। उन्होंने ऊँट तो ज़िबा कर लिया लेकिन उसके अंदर एक मश्क होती है, उस मश्क को फाड़ने से सारी बदबू गोश्त के अंदर स्मेल हो गई थी। अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा जिनको सही नहीं काटना था। साड़ी बड़ी प्यारी पहनी है वैसे आपने, बहुत खूबसूरत कलर आपकी साड़ी का, प्यारी लग रही है माशाल्लाह बहुत, और सबने बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए। ये ब्लैक ड्रेस बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आगे जो सबसे बैठी है इनके बराबर में जो बैठी है उन्होंने भी बड़े प्यारे कपड़े पहने माशाल्लाह, और आपके भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सबके कपड़े बहुत अच्छे हैं, सब बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ईद का दिन होता ही ऐसा है ना, सब तैयार सजे हुए, बच्चे कच्चे शेरवानियाँ पहने घूम रहे होते हैं बेचारे, और बच्चियाँ जो है बच्चियों को दिखाएं, ये तैयार बच्चियाँ जो पीछे बैठी हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी बच्चियाँ, बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये तो वाइट परी लग रही है भाई, बिल्कुल है। ये दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने? इधर आओ दोनों जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने, जल्दी से शाबाश। वैसे हम भी बचपन में ना हमारी अम्मी एक जैसे कपड़े बना देती, एक ही थान लाती थी, तीनों बहनों को एक जैसे कपड़े पहना देती थी। इधर आओ। दूसरे के कपड़े भी नहीं पहन सकते थे क्योंकि तीनों के एक जैसे कपड़े होते थे। क्या नाम है आपका? फरियाल। और अच्छा आपका नाम? उसका नाम भी खुद ही बता रही है। ये फरियाल है और ये बुशरा है, दोनों बहने हैं। अम्मी ने बनाया कपड़े? अम्मी कहाँ है आपकी? अच्छा ये नीली साड़ी वाली इनकी अम्मी है। तो भाई आज ईद का मजा दोबारा करेंगे और आज खाएंगे गाएंगे और बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, और बड़े खास मेहमान आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, उनमें से कुछ इतने खास हैं कि पहली बार हमारे शो पर आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल आप लोगों ने जबरदस्त करना है। लेकिन हमारे लिए वो बहुत हमारे पुराने दोस्त हैं, दोस्तों की तरह हैं, और एक ऐसा कपल है वो के जी जिसकी मिसालें जैसे और कपल्स की मिसालें दी जाती हैं वैसे उनकी भी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हाय 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 एक और शख्स भी आने वाला है यहाँ पर जो कि हमारा मजाजे खुदा है, मजाजी खुदा है, उसको भी हम बुलाएंगे क्योंकि घर वालों के बगैर तो ईद ना मुकम्मल है ना, तो घर वाले अगर ईद पर ना हो और दोस्त ना हो तो फिर ईद का मजा नहीं आता, क्यों भाई? ठीक है ना, दोस्तों के साथ जाती हैं आप, घूमती हैं फिरती हैं ईद के दिन, है ना, मजा नहीं आता ना दोस्तों के बगैर। ठीक है अब दोनों ने मेरे साथ जो है ना ब्रेक लेनी है, ठीक है, मैं कहूँगी देखते रहिएगा, आप लोग कहेंगे सतरंगी, ठीक है? तो जी हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ अपनी सतरंगी की टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, और जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थोड़ी देर में वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी। हो और मैं अपने
अपने घर में से किसी को ना बुलाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा भी दिल चाहता है ना कि मेरे फैमिली मेंबर भी यहाँ पर मौजूद हो, जैसे कि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। आप लोग सुबह सुबह मेरे साथ नहीं हो तो मेरा शो कौन देखेगा और मैं किसके आगे बोलती रहूंगी? और आप लोग नहीं होंगे तो मुझे मजा ही नहीं आएगा। मेरी एनर्जी आप लोगों की वजह से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा हौसला जो बढ़ाते हैं वो लोग हैं जो कि सामने हमें देख रहे हैं। तो जी सबसे पहले मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में साउथ को। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक माशाल्लाह से। अभी तो घर से आ रहे मिलके ही। वो 6 बजे उठा देती है। अच्छा तो इधर आए ना जरा, क्या बहुत जल्दी बैठने की जरा थोड़ा। हाँ क्या कह रहे हैं, कितने बजे उठाती हूँ? 6 बजे। तो कितने बजे उठाना चाहिए ईद के दिन? इतने बजे ही उठाना चाहिए ना भाई। इनसे कोई पूछे 5 बजे सोते क्यों है कि मुझे 6 बजे उठाना पड़े? क्योंकि क्योंकि 4:30-5 बजे तक तो मेहंदियाँ लग रही होती हैं। सही है ना? और इस ईद पर तो बकरे और गायों को भी मेहंदियाँ लगाते हैं लोग, क्यों? देखा है ना आप लोगों ने लगाते हैं। लगाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप ईद के दिन सबको? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान यहाँ पर भी और जो पाकिस्तान से बाहर शो देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक मेरी और जवेरी की तरफ से और एक्सप्रेस की तरफ से। बिल्कुल जी। और आज जो है कुर्बानी का दिन, और कुर्बानी करते हुए ये थोड़ा सा घबराते हैं, ये कहते हैं यूं करके, ये यूं करके छुरी पेरते हैं ऐसे करके। ऐसे ऐसे हाँ ये देखो। नहीं, नहीं, अपनी अपनी जो अजीज चीज होती है उसको तो कैसे देख के कुर्बान कर सकते हैं आप बताएं मुझे। नहीं ना, कुर्बानी का मकसद ही यही है, मकसद ही यही है जिससे प्यार करते हैं उसको कुर्बान करना है। आप सोचिए ना किसी को। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सऊद। तशरीफ रखे, मजाक करी हुई ऐसे ही। और जी सऊद आ गए हैं और अपने और दोस्तों को भी यहाँ पे बुला ही लेते हैं क्योंकि जब तक सब साथ ना हो मजा नहीं आता। अब जिन दो मेहमानों को मैं बुलाने जा रही हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जितने भी कपल्स शोबिज में आप देखते आ रहे हैं उनमें एक बेस्ट कपल, और हमें हमने उनको बहुत सारे ड्रामों में भी देखा, शोज में भी देखा। इसके अलावा आपने उन्हें वैसे भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर होस्टिंग करते हुए भी देखा, और अगर हम बात करें कि कैसे हैं वो तो बहुत मज़ेदार। जब आप उनके साथ बैठते हैं तो आप हंसे बगैर नहीं रह सकते। बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे इंसान। आपकी बहुत सारी तालियों में पहली दफा मेरे शो में आ रहे हैं, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा हिना और मानी। ठीक हो गई, हमारे ऊपर साबित आ गई कि जी ईद पर जो है वो बड़े लंबे बैठ सकते हैं, क्यों नहीं? ईद पर जो है वो लंबे लंबे अरसे से जुदा होते हैं वो लोग भी मिल जाते हैं। हम पहली दफा आए यहाँ पे, बिल्कुल हम पहली दफा आए और माजरत कर रहे हैं काफी। ऐसा हो जाता था कि हम आ नहीं पाते थे, और थैंक यू। और शो के लिए अपनी जो हमारी जब भी कॉल आई वो रात की 3:30 बजेगी। शुक्र है चांद रात थी तो कॉल आ गई। हाँ बिल्कुल, वरना सो रहे होते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बहुत दिनों बाद हम मिल लिए। हाँ क्योंकि हम इससे पहले भी एक शो भी मिले थे जिसमें हम होस्ट कर रहे थे और आप दोनों गेस्ट थे। बहुत दिनों बाद क्या बड़े अरसे। हाँ वो हमने 3 दिन किया था, 3 दिन किया था, 3 दिन गेम शो था वो पूरा। हाँ वाकई। कैसे गुजरती है ईद? आप तुम लोग क्या कुर्बान करते हो? कुर्बानी वही बकरे होते हैं। इस दफा तो बकरे नहीं किए क्योंकि वो खाल लेने वाला कोई था ही नहीं। तो एक्चुअली ये बकरे होते हैं बच्चे, और वो आजकल वो थोड़े डरे हुए भी थे ना बकरे। हाँ। वो मास्टर आगे घूम रहे हैं। हाँ। एक तो जब से ये खबरें आ गई हैं तो लोग जो है ना टेंशन में आ गए हैं। हर पल पल की खबर आ गई ना वो वायरस, लेकिन वो इतना नहीं हुआ। लेकिन ये कि अल्लाह शुक्र है हो गए। अच्छा और हाँ। बकरे हमसे डरे हुए थे, हम बकरों से डरे हुए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सब एक दूसरे डरे हुए थे, गायें हमसे डरी हुई है। बकरे जब मैं करते हैं तो उनको ख्वाबों में छुरियां नजर आती हैं। ये बात किस हद तक तुम लोग समझते हो? ठीक है तुम्हें बताओ। जब हाँ मुझे लगता था ऐसा होता है क्योंकि वो रात के वक्त ही चीख रहे तो होते हैं। तुम्हारी बात हुई है बकरे से? चांद रात को आपको रात को ख्वाब में वो जो है वो राने और बोटियां और चीख नजर आ रही थी तो उनको भी कुछ नजर आता। बड़ा अच्छा, एक मुझ
लिखा हुआ था शेर, आपके हम बिछड़े, बकरा एक दूसरे बकरे से कह रहा है आपके हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। और हीरा मानी आज हम, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग आज मेरे शो पर आए हो, और हम बड़े अरसे से आप लोगों को, कभी आप अमेरिका में होते थे, कभी इस्लामाबाद में, कभी मरी में, कभी कंटेनर में, लेकिन अब हम सब ने डिसाइड किया हम एक ही जगह होंगे। वाकई सही बात है। एक और हमारे गेस्ट, उनको भी मैं बुलाती हूँ यहाँ पर, और जिनको इस वक्त मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, उनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि वो हमारे सिर्फ हमारे गेस्ट ही नहीं है यहाँ पर, वैसे भी हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, और जब तक, जब उनकी मूछें भी नहीं आई थी, जब से वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है, मैं उनको जब से जानती हूँ, बहुत छोटे से मेरे सामने ही अचानक बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि बहुत ही बड़े हो गए। तो आपकी बहुत सारी तालियों में पाकिस्तान का एक और बड़ा नाम अदील चौधरी। और इस बार अदील जो है वो आप इधर आ जाए तो उनको वहाँ बैठ, यही मैं इनको कह रहा हूँ, अगर करीब रहे मेरे यहाँ पे भी दूर बैठेंगे। हाँ है ना, आते ही थे देना। और अदील जो है वो लाहौर से यहाँ आए हैं ईद मनाने हमारे साथ। बिल्कुल। और वैसे अदील खारिया में ईद मनाते हैं ना आप तो? हाँ, मोस्टली खारिया के अंदर। खारिया। और कैसी गुजर रही है ईद अदील? बहुत अच्छी गुजर रही है। और इससे पहले भी एक ईद आपने मनाई थी हमारे साथ, याद है आपको? हाँ, उस पे हुआ क्या था? उसे आप ईद के कपड़े लाना भूल गए थे। और फिर मैं सारा दिन पजामा में मैंने गुजारा। जी नहीं, मैंने आपको लाके दिए थे। हाँ। शर्म करो, याद नहीं है तुम्हें? मेरी मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है। इनकी मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी अपने अम्मी अबू को भी नहीं पहचानते। एक्चुअली वो खारिया में वबा चल रही है। मैं भी काफी खारिया जा चुका हूँ, मेरे एक मामू पोस्टेड थे वहाँ पे। अच्छा, आर्मी अच्छा। के लोग क्योंकि बताते रहते हैं। हाँ। तो मुझे थोड़ा आइडिया है खारिया का। तो अदील के अबू भी तो आर्मी में ही होते हैं। इसलिए शायद हाँ, वो वहाँ पे इस वजह से। इसके अलावा वजह बनती नहीं हमारे ना। अच्छा, हम सबके एक एक फैमिली मेंबर रह चुके खारिया पोस्टेड। हम सबके फैमिली मेंबर आर्मी में रह चुके हैं, खारिया में रह चुके हैं। बड़ा अच्छा स्टेशन है खारिया का। बिल्कुल। बहुत। तो अदील भी आ गए, एक और हमारी मेहमान रह गई, उनको भी मैं बुला लेती हूँ। और कुछ अरसे पहले वो इस फील्ड में आई हैं, और आते ही छा गई हैं। उनकी बहन भी इसी फील्ड में काम कर रही हैं, और आप उनके बहुत सारे ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते आ रहे हैं। बड़ी ही प्यारी सी शक्ल है, बल्कि कहना चाहिए वो जो एक कर्ली बालों वाली गुड़िया नहीं होती, उसी टाइप की शक्ल है। तो आपकी बहुत सारी तालियां, बुला रही हूँ नूर खान। ईद मुबारक हो, और ये भी हमारे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आई है, तो एक दफा और इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। तशरीफ रखिए। और एक और हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त, मैं चाहती हूँ उसको भी यहाँ बुला ही लूँ, जब सब आ गए हैं तो उनको क्यों छोड़ू मैं, उनको भी यहाँ बुला लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। उनको यहाँ बुलाने के बाद एक ऐसी खूबसूरत आवाज जो कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, बहुत ही सुरीले आदमी है, बस सिर्फ आवाज सुरीली है उनकी। लेकिन उनकी हंसी जो है वो बहुत बेसुरी है, और जब वो हंसना शुरू करते हैं तो उनकी हंसी नहीं रुकती, और फिर उनको चुप कराना पड़ता है बड़ी मुश्किलों से, लेकिन अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। हमारे पाकिस्तान का एक और नाम आपकी बहुत सारी तालियों में, नईम अब्बास रूफी। आपको कैसा लगा?
पप्पू आपको पता ना, मगर ये डांस कर सकते हैं ना? बहुत अच्छे हाँ, 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा नहीं पार्टी बॉय जी ये बताओ जी जी ये बताओ क्या कुर्बान किया इस चीज पे? बकरे करेंगे। अच्छा बकरे ही करेंगे, हमें तो ऐसे कह रहे हो तुम जैसे हमारे घर में रहते थे। दो बकरे किए जी जी। खुद करते हो कुर्बानी या कसाई बुलाते हो? खाल वाल कसाई उतारते हैं। हाँ जिबा में करते जिबा तो सभी करते होंगे मेरे ख्याल। जिबा मुझे थोड़ा डर लगता है, है ना? सऊद भी मैंने बताया था यूं करके करते दूर दूर। पहले एक दफा कर लिया था, एक सुन्नत थी पूरी कर ली। हाँ उसके बाद नहीं। अदील तुम? ये बड़ी फिल्म है भाई। मैंने नहीं किया, कभी नहीं किया। बस इस दफा अदील से जनाब बकरा कल अम्मी की कुर्बानी है तुम्हें ले चले। तुमने किया तुमने कभी? अच्छा नूर देखती हो तुम कुर्बानी होते हुए? देखती हो क्योंकि लोग बहुत डरते हैं ना देखते हुए। नहीं नहीं जरूर देखते। हम लोग तो बच्चों को उठाते हैं, उठो बच्चों उठो, गाय कट रही है उठो। कुछ लोग कुर्बानी करते हैं और आपने इनसे पूछा इन पे कुर्बान होते हैं। लेकिन अभी आप तो छोटी थी, आप जाती होंगी अम्मी अबू के साथ कहना वहाँ पे तारीख रोड वगैरह घूमने फिरने के लिए चल रहा था। आप जाती हैं कभी केडीए मार्केट, फला मार्केट, ये मार्केट है? हम लोग जाते थे। सही ना? नहीं क्योंकि अभी इतनी एज तो नहीं है, 15-16 की थी एज आपकी। छोटी अभी तो यार तुम औरतों से एज पूछ रहे हो यार, शर्म करो। इतनी होगी मानी औरतों से एज पूछ रहे हो? लड़कियों से, मतलब लड़कियों से कहते हैं औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। यहाँ ये कभी नहीं लिखा कहीं पे कि लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बोला औरत से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मर्द से कमाई नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हारी बोलो करो आप कितना कमाते हैं, बस वहीं पे चुप हो जाएगा। हाँ तो भाई नहीं, कितना कमा लेते हो महीने का? पता नहीं भाई बिल्कुल। अच्छा जी ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते खुशियां मनाते बातें करते हमारी आज की ईद गुजरेगी। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी ईद मुबारक। नाम है ये प्यार का पैगाम, मुबारक ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी जो कि हमारा साथ देने आई है ईद के दिन। जिस तरह हमारे घर में, बता रही हूँ अल्लाह कितनी जल्दी है रूफी को, जिस तरह हमारे घर में सबसे पहले सुबह सुबह खानों की खुशबुएं उड़ना शुरू हो जाती हैं, इनकी वजह से आज हमारे सेट पे भी खाने की खुशबुएं उड़ना शुरू होंगी। शेफ फहमीदा के लिए बहुत सारी तालियां। फहमीदा क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ सीज़मी कबाब। सीज़मी कबाब जो बीफ के होंगे, बीफ के कबाब। और मैं एक अरबी डिश बना रही हूँ, मंदी। मंदी मंदी बनेगी और कबाब बनेंगे। तो जी क्या क्या डालेंगी आप इसमें? ये इसके अंदर क्या क्या डालेंगी? ये बीफ का कीमा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ब्राउन प्याज डाली है, सही। हल्की से आप घर में रेड कर लें इसको, वो डालते हैं, सही है। और ये मैंने मसाला बनाया है कबाब, सही है। इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च है। ये मंदी वाले दिन आज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। और ये नेस्ले का दही डालेंगे हम, मिल्क पैक दही। पैक दही, अच्छा मिल्क पैक दही क्यों डाला जाता है कीमे में? मिल्क पैक दही से मैरिनेशन अच्छी होती है, सही। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनती है, ठीक है। और इससे गोश्त में हीक खत्म होता है। आप मंदी में भी डालेंगी मिल्क पैक दही? मैं जो हम बकरे की रान इस्तेमाल करते हैं इसमें, वो हम बीच में रखेंगे, साइडों पे हम चावल रखेंगे, उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। ओके। जो रान है ना उसको मैरिनेशन करनी पड़ती है, सही। तो उसकी मैरिनेशन वो मैं मिल्क पैक दही से करूंगी, ठीक है। पीसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, नमक, हल्दी, सही। तो जी बहुत सारी तालियां फहमीदा के लिए। फहमीदा हमारे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से बना दे फटाफट आ रहा है। सुबह सुबह सबसे पहले जो चीज होती है वो कलेजी खाई जाती है, और कलेजी के बाद जो है फिर वो नमकीन गोश्त कलेज। मुझे लगता है रूफी आज मुझे शो नहीं करने देगा। अच्छा जी यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और इसमें मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, कान चाप सिरी गुर्दा कलेजी सिंह, और आप लोगों ने कोई भी एक नाम चूज करना है और उसमें से कोई एक टॉपिक आपके निकलेगा उस पे आपने एक मिनट तकरीर करनी है। ओह माय गॉड, ठीक है? हर शो में टीम बदल रही है। यहाँ चौधराहट नहीं चलेगी। नहीं भाई नहीं। चले जी सबसे पहले सऊद बताइए।
कान नहीं, सबसे पहले एक कान बताऊंगी। सऊद ने कहा है कान, यार सऊद में कान क्योंकि ये कानों के बहुत कच्चे हैं इसलिए। इसमें तकरीर करनी है, क्या करना है? गाना भी गा सकते हैं। इसके अंदर से तो पट्टी निकलेगी। कान चबाने किसी के जाके क्या गाना भी गा सकते हैं? मेरी मासूम बीवी। हाय 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 हाय, मैं नहीं कर रहा। ये तो कितनी अच्छी अभी आपको ऑफिस में इतनी खुशी का मौका मिला। चलिए जी जल्दी से इसमें तकरीर करनी है। एक मिनट और तकरीर करें। आ जाए, मेरी मासूम बीवी। हाँ। और कैमरा मुझ पे रखें आप। अच्छा, अल्लाह रहमत। आज आज के शो का सबसे बड़ा झूठ मेरी मासूम बीवी। देखिए लोग कलेजी खाते हैं, चाप खाते हैं, सिरी खाते हैं, गुर्दा खाते हैं, सींग खाते हैं, लेकिन मेरी मासूम बीवी सिर्फ मेरे कान खाती है। अरे मासूमियत की इंतहा कर दी, मासूमियत की इंतहा कर दी। बिल्कुल हाँ। और मासूमियत माशाल्लाह से जो इनके अंदर है वो अल्लाह जानता है। मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक, 10 साल हो गए। लेकिन लेकिन अपने काम में बिल्कुल माशाल्लाह से एक्टिव है। बराबर कर ले आप भाई, भी आना यार, हाल हर रेसलर वाला। तो ये मासूमियत जो है ये बड़ा अल्लाह का तोहफा है। अगर आप मुझे देखेंगे तो ज्यादा फरफर निकलेगा आपके मुंह से। मासूमियत अल्लाह का तोहफा है क्योंकि घर भी जाना है, क्योंकि घर भी जाना है और घर एक मंदिर है। एक 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 मैं भी किसी माँ बाप का मासूम बच्चा हूँ तो मुझे मासूम बच्चा समझ के बहुत। और ये अब आपको टॉपिक दिया जाता है, मेरा एक मेरा घुन्ना शो। और जब मेरी बीवी को मुझसे पूछती है तो मैं सिर्फ एक गाने के बोल कहता हूँ, तेरे मासूम सवालों से भागने वाला है, नई मसला लेके आती है। हाँ जी मानी, चांप चांप की लत सब छीन ली। एक जमाने में चांप पड़ा इन वर्ड था कराची में, चांप चांप। मेरी सास बोल। देखिए इसमें हमने मासूम नहीं लिखा, आपने नोट किया? मेरे घर में सच बोलिएगा। देखिए मेरी बेगम, मेरे अलावा मेरे दो बच्चे रहते हैं और उनके अलावा मेरी सास जो कि कभी कभी आती हैं और जब हमें जरूरत होती है उनकी, आंटी आज क्योंकि हमारा शो है बच्चे संभाल लें तो वो उस दिन आती हैं, कभी कभी जान देती हैं। अबे मेरी डर रहा है ये, मेरी सास डर रहा है ये, इससे डर रहा हूँ ना। एक्चुअली मेरी सास की उम्र में और मेरी बेगम की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है। घंटे का नहीं, घंटे का फर्क नहीं है। दोनों एक ही पार्लर जाती हैं। वाह 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 वाह। दोनों एक साथ चूड़ियां पहनने जाती हैं। तो दोनों योगा करती हैं। दोनों योगा करती हैं। वो योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो ये मेरी सास जो हैं वो असल में दोनों मिलके मारती थी नहीं। दोनों मिलके मारती नहीं है। तो मेरी सास जो है बेसिकली वो एक हसीन तोहफा है इस तरह से कह रहा मैं कि कभी कभी अगर हेरा का टेम्पर हाई हो जाए तो मैं कहता हूँ आंटी देखें यार ये क्या है आपकी बेटी, संभाले। बाकी गुस्से की बहुत तेज है वो। अच्छा, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि शोज हमारे होते हैं और वो लेट हो जाते हैं हम तो फिर उस वक्त सुनने को मिलती है। सही, क्या किस तरह? किस तरह वो टॉन्ट मार देती है मेरा वो। और टॉन्ट ये होता है कि वो उमायमा लोगों से जुमला था जब पैदा करते हो तो कर पाला भी करो। बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है और
सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं हमारा, बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, और उनके लिए गाना भी डेडिकेट करना चाहिए। हाँ, बोली। सास को दुनिया की सारी शिकायतें हमारी से करती है। सास का कोई गाना नहीं है। सासों की माला में। सासों की माला में। वाह वाह वाह। सासों की सारी सासों नहीं सासों की सासू की माला में सिमरू मैं। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार अगर शेर तुम्हारी सास पे और बीवी पे हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? कहने लगा मैं शेर को बचा लूंगा। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा शेर कम है ना। वाह वाह वाह। हाँ जी अदील बता दिए चुनमुनिया। सिरी 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 आई लाइक सिरी। बीवी का ना निकला है कुछ सिरी पर खुद हंस दोस्त। दोस्त अदील ये अपनी तारे वाले साइड पर रखो ना। हाँ ये अदील से चलते हैं। अदील की बैटरी। हाँ जी अदील खुद कर्ज दोस्त दुनिया में बहुत होते हैं और मेरी जिंदगी में भी है जो कि मेरे इस हाथ में बैठे। यार अभी से पहला शौक है बिचारी ने क्या करोगे? यकीने है ना। और ये ऐसे दोस्त हैं कि वैसे आपको लगेंगे कि बहुत मासूम हैं और इनको बिल्कुल कुछ नहीं पता दुनिया का बिजनेस में भी, लेकिन जब इनके ऊपर अपनी बात आती है तो इनको सब चीजें हिसाब किताब सब क्लियर होता है। कर रहा था तो अल्लाह ताला जो है ऐसे दोस्तों से बचाए, लेकिन इनके फायदे भी बड़े होते हैं और बस यही कह सकता हूँ। और क्या है बताओ? फायदा ये है कि नहीं अदील के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं करो। जबीर है और एक और है अपना अली है, तारड़ है अपना, नहीं आप भी हैं और फायदे इनके ये हैं कि अब मैं क्या कहूँ, इनके पेट पे बैठ के स्लाइड ले सकते हैं। हाँ जी कलेजी सिंह और गुड्डा रह गया है हीरा है। कलेजी सिंह और गुड्डा कलेजी सिंह चलो आ जाते हुए कलेजी 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 ऊपर नौकर क्योंकि वो यही है। शो खत्म हो गया क्योंकि वो यही है। मैं नहीं हूँ घर में बहुत कामचोर हूँ। नहीं यार मेरा कामचोर नौकर। अच्छा जी एक दिन मैं आ रही थी अपनी शूट से आ रही थी बड़ा खुश खुशी, मैं नई मेड रखी थी ना मैं आऊंगी बड़ी अच्छी थी क्योंकि उसने कहा बाजी मैं सब कर लूंगी। आपने बिल्कुल टेंशन की बुशरा है ना कोई मसला ही नहीं। मैंने कहा ओके बुशरा तो फुल सीन ऑन है। खैर मैं शूट से आई तो बुशरा फोन देना जरा मानी फोन यूं था बुशरा का और खाना पका रही थी और वॉशिंग मशीन में अंदर कपड़े फंसे हुए थे। अच्छा मतलब वही ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े फंसाए हुए थे उसे वहाँ दूर इब्राहिम पैम्पर फुल डायपर में इधर उधर घूम रहा था और मैं अचानक आई और मेरे सामान से गिरा तो मैंने बुशरा को कोई थप्पड़ लगाए उस दिन और मैंने बुशरा तो हीरा आगे तो बुशरा का रिएक्शन किया तो बुशरा ने कहा होगी तुम हीरा मैं भी पूछ रहा हूँ। तो कामचोर नौकर जो होते हैं वो एक औरत की किस्मत में लिख दिए जाते हैं और वो उसको हर मोड़ पे मिलते हैं। हाँ और मैंने आज तक कोई छह और ये जो कामचोर है ये मियां से शुरू होता है। चोर नौकर क्योंकि मियाँ जो सॉफ्ट कॉर्नर दे देते ना मेरे शूट पे जाने के बाद मासियों को ये होता है कि यार आप परेशान ना हो बाजी ऐसी चीखती है तो वो मासी शेर हो जाती है। हमारा तो खासकर ईद के एक दिन पहले भाग जाते हैं वो शेल्टर देने वाले। हमारा तो हम लोग हमारा तो मासी गूंगी आती है बोलना शुरू करती गूंगी आती है हमारे घर उसके बाद दो दिन बाद बोलना शुरू करती है।
अच्छा हमने भी एक मासी रखी थी बेटी के लिए, तो बेटी हमारी कमजोर हो रही थी और वो मोटी हो रही थी, तो एक दिन मैं छुप के देखा वो क्या करती है, तो उसने इतनी बड़ी चिकन वगैरह रखी हुई थी और मेरी बेटी को बता रही है देख बेटा इस तरह खाते हैं, ये उठाया और सारा खा लिया। मेरी बेटी का रखी हुई है अलग अलग, वो शो ना देखे वो अक्सर होता है मेरी शूट होती है और हेरा घर पे होती है, और हेरा की शूट वाले दिन वो एक्टिव होती है और वो सब खा जाती है, सब खा जाती है, सब खा जाती है। नूर और सारा घर में बातें करते हैं, ये वैसे आम टाइम पे आप अगर नोट करें हंसते रहते हैं दोनों और घर पे बातें करते हैं। गुर्दा पहले इससे सीख लिया था, होने वाले दुल्हे की खुसूसियात बताइए, बताइए बताइए बता दें। खुसूसियात होने वाले दूल्हे की, एक मिनट में बता दें मुझे डालना गिनती बताओ तुम्हारा ड्रीम बॉय, शर्माओ नहीं या नहीं है वो, हाँ बॉय कहीं नहीं है एक है ना क्यों एक बढ़ाओ नहीं बस अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो और सेंस ऑफ ह्यूमर मस्ट है वो जरूर हो, वरना फ्यूचर बस, और लंबा हो थोड़ा लंबा हो, आप जॉनी लिवर से कर लें क्योंकि आप लंबे नहीं है, खड़ा कर ले मेरी हाइट देख, हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही छोटा है वो रैम्बो है। वो छोड़ दो, पैसे तो होना ही चाहिए, बहन भाई ना हो, अच्छा वो अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, नहीं बहन भाई हो मामा, ऐसे नहीं है, नहीं देखो ये ऑनेस्टी भी अच्छी है ना कि इससे साफ साफ बोलते हैं पैसा तो होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, सही बात होनी चाहिए, हाँ माँ बाप वगैरह जो हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बहन भाई जो भी हो उनके लिए तालियां, बैठिए रुक, चल बेटा तुम्हारी बारी है, ले भाई सीख रहे हैं आ जाओ, और तेरे सर पे सींग कैसे लगे निकाल लो, सोच रूफी के सर पे सींग कैसे लगे, पूरा बकरा ही रहूंगा, हैं निकालो निकालो, बाल नहीं है तो सींग कहाँ से आएंगे, लालची कसाई बोलना क्या है, लालची कसाई मतलब उसके लिए क्या बोलना, जो दिल करे वो लालची होता है वो कसाई होता है। देखें अभी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कसाईयों का, आजकल दौर आ गया है और लालची कसाई होता है 800 से ज्यादा 1000 रुपए बोल देते हैं, 1000 से 2000 बोल देते हैं, लेकिन असल कसाई वही होता है जो फ्री में काटे, क्योंकि देखें ये है अल्लाह के लिए रजा के लिए, तो कसाई को भी चाहिए फ्री में काटे, पूरा साल दुकान पे काटता है तो पैसे लेता रहता है, तो इस दफा कसाई को बता रहा हूं खाल उसको दे दो, सुने खाल कसाई को देनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूं लालची मालिक नहीं, सही बोल, थैंक यू भैया, लालची मालिक हो, आई है कहां चले गए, अरे हो गए 25000 का बकरा ले लो, एक मिनट पूरा भी नहीं किया, नूर की दफा में तो बड़ा बोल रहे थे, टॉपिक मेरे लिए बड़ा खुश टॉपिक था, जरा चलें और टॉपिक चेंज करें, टॉपिक चलें टॉपिक चेंज करते हैं, मैं और मेरे बाल, तालियां रूफी के लिए, दुनिया में बाल वो चीज है जो अल्लाह ताला की नेमत है और जिसको नहीं दी, दी सबको है लेकिन अगर चले जाए तो बुरा ना माने और बल्कि लगवाए ना, जो अल्लाह ताला ने जैसा जैसा एडजस्ट किया है वैसे ही अल्लाह ताला वैसे ही रख देता है, जैसे मेरा है क्योंकि इस चीज में बुराई करूंगा नहीं, लगवा लेते हैं ना, लगवाए ना लगवाए, वो ऐसा लगता है कांटा डाल के खींच लो भी, एक सिंगर का नाम नहीं लूंगा, मैंने ऐसे हरकत की थी उसके बाद फिर मैंने उससे खुद सॉरी की, स्टेज के पीछे से कांटा डाल के मैंने भी उठा ली थी, बाल लगवा लिए तो तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे, बात सुनो पहले टिंट वाली भी दिखाते हैं, पहले ऐसे बाल वाली पहले ऐसे और फिर छत डलवा लेते हैं और वो भी आगे गिर रहा होता है, और नहीं बाल
औरतों की क्या होती है वो भी लगाते हैं साइड पर कोने पे करके ताकि फिक्स हिले ना। और वो देखते कैसे छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, इसी तरह बातें करते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, बाकी आपको गाना भी सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा और देखते रहेगा सतरंगी ईद मुबारक सभी को। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, और बकरा ईद पे हर जगह इस तरह गोश्त लटका हुआ नजर आता है हमें, और तमाम घर वाले या कसाई जो हैं वो उस गोश्त के हिस्से बकरे कर रहे होते हैं। और आज यहाँ पर हमारे मेहमानों का यही काम होगा, जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं हमारे उनमें से जैसे अगर मानी है तो मानी सऊद है और अदील है, वो यहाँ से गोश्त काट काट के वहाँ पर देते रहेंगे, और आप रूफी यहाँ पर बोटियाँ बनाएंगे, आप बोटियाँ बनाएंगी और आप बोटियाँ बनाएंगी, और देखते हैं सबसे अच्छी बोटियाँ कौन बनाता है। तो बहुत सारी तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए जी। गोश्त काट के उधर देना है, उन्होंने बोटियाँ बनानी है। मैं बोटियाँ बना लेता हूं। अच्छा तो वो काटेगी ठीक है नूर, तो फिर तुम्हें गोश्त तुम्हें काटना होगा ना, काटना नहीं आता जब भी, तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तो कहते दो उठाओ सर छुरी 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 लो ना, नहीं 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 ये तो उनके साथ है ना, नहीं उनके साथ छुरी तो उठाओ अदील, क्या करना है गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े काट के उनको देने, रुक जाए सब एक साथ काटेंगे, आ जाओ क्या बन गया, अभी खिलाते हैं बस। तो जी म्यूजिक बजाइए जी, 1 2 3 स्टार्ट। अच्छी बोटियां बनाई हैं, ये हो गई आपकी बोटियां जी, यहाँ पे रख दीजिए सारी। कैसी बनाई मैंने वैसे? बहुत अच्छी बनाई हैं आपने, और भी बनाऊंगी मैं। बस जी टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, बस करते हैं। अच्छा पता क्या हुआ, क्या गोश्त भी मैं लेकर आया इतना, हाँ, और काटने में क्या किया, इसके लिए टोका चाहिए था, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ गए, गोश्त काटते ना इसमें पड़ा हुआ ये। और जी सबसे अच्छी जो गोश्त की बोटियां बनाई है, सबसे ज्यादा गोश्त और सबसे अच्छी गोश्त बनाई है हीरा और मानी ने, और जी जीतने वाला डालेगा यहाँ पे जोरदार भंगड़ा। We'll be right back.
तशरीफ रखिए, बैठिए सब। और क्या चीज बन गई है? सिस्टी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप लोगों की मेहनत 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 का जो सिला है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी भी अभी बन रही है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और मजे से इस कबाबों का लुत्फ उठा सकते हैं। और यार ये जुल्म है मेरे म्यूजिक कॉर्नर के साथ, जुल्म है ये। लेकिन जाइए उधर तो रखे, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं गाना सुना, कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। और कैसा गाया शबी ने भाई, कैसा लगा आप लोगों को? नहीं भाई तुझे बात पूछनी, नहीं भाई ये बताइए, जब ये जो खान साहब टाइप के लोग होते हैं इनकी शक्लें क्यों बहुत बनती हैं? खान साहब हाथ भी टेढ़े हो जाते हैं? नहीं नहीं आपकी बात नहीं, खान साहब की बात है, आप तो हमारी तरह के हैं। अब ऐसे कुछ लोग हैं, सिर्फ एक ही हुआ है ऐसा। नहीं नहीं मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोगों में मैं खास साहब से आप मुराद कर, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि हमारे मुल्क के वो लोग वो फाइनल नहीं माने, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वैसे असल में उन्होंने इतनी मेहनत इतनी कर दी, मेहनत कर करके कर करके उनका थोड़ा स्टाइल ऐसा हो जाता है। जैसे किस तरह? जैसे जैसे नहीं कर सकता वो, नहीं रियाज कुछ लोग ये भी करते ऐसे रहते, कुछ किसी का आ नहीं खुलता तो ये हमारे यहाँ फाउल कहलाता है म्यूजिक में। ये क्या है? कि जब आकार होती है, अरे ये मक्खी घूम रही है क्या? ये मैंने कुछ सिखा रही है। अच्छा जी एक और हमारी छोटी सी एक्टिविटी, बचपन में आप लोगों ने बहुत खेली होगी म्यूजिकल चेयर, लेकिन अभी हम खेल रहे हैं डांसिंग चेयर। इसके इर्द गिर्द घूमना है लेकिन बगैर डांस के नहीं घूमना है, हिलते जुलते ऐसे ऐसे करके घूमना है। और ये बच्चे नहीं होते, बच्चे खेल रहे होते हैं यूं यूं करके चल रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलना है आपने। और जरा स्टाइल में स्टाइल चल रहा है नीचे से, जो ये सोच रही है वो नीचे चल रहा होगा ना। तो मैं भी आपके साथ खेलूंगी, बहुत सारी तालियां मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, आ जाइए। हमारा गोश्त बड़ा हुआ ना, आप भी खेल। हाँ मैं क्यों नहीं खेल सकती, आ जाए इसमें करना क्या है? आइए करना क्या है, बस सीट पे बैठते हैं जैसे म्यूजिक रुके। उसके बाद क्या कुछ सवाल होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, चेयर के आगे खड़े हो जाके चले जी। 1 2 1 हमेशा कुर्सी कम होती है तो जब तो 1 2 3 स्टार्ट म्यूजिक। Chica, 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 that's my chica girl. Ain't nobody can be going better than my chica girl. चले कोई बात नहीं, लाइए ये चेयर दर दे दीजिए मुझे, थैंक यू सो मच। चले जी छिलके वाला। 1 2 3 स्टार्ट म्यूजिक। यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम पहले बेताला हो यार। अरे मैं वो आगे निकल गया मेरे यार। नहीं आ जाइए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, इसने वो ठुमका साइड पे रखा हुआ था पहले। पहले वाले में नहीं, आपका ठुमका रेडी था बिल्कुल। 1 2 चले जी, मानी हारे हुए लोगों में आ जाओ। आप इतनी मौजूद ना बने इसमें सारी फाड़ी चार और तीन खुश। चले जी कोशिश की, किसी तरह दिल को किसी से गिरा दे, नहीं कामयाब नहीं हो सकी।
अब बड़ा खतरनाक मुकाबला है। अब गाना लगाएं। एक आदमी इनमें ऐसा है दो सीट के बराबर नहीं। अब गाना लगेगा गुजरा वे नूर के लिए बहुत सारी तालियां। नूर हार गई है। अब दो आदमी रह गए और अब लंबे लंबे गाने बजा दें दोनों के लिए। लंबा लंबा गाना कर दो भाई। अब सीन पट्टी बांधो इनके आगे पट्टी बांधो। पहले ये बताओ जीतने वाले को मिलेगा क्या कुछ? कुर्सी मैं बताती हूँ। घर ले जाए। टेनिस की दो बॉलें मिलेंगी हमें। मंगवाई चला चले जी। अदील और सऊद के बीच में मुकाबला सकते हैं। जरा लंबा लंबा गाना लंबा वाला गाना। वन टू थ्री और सऊद आपने जीतना है ताकि हम लोग ये देखेंगे फ्रीडम फायर है कि प्रॉपर ठुमका कहाँ गिरा। पर ठुमका बहुत बड़ा है। एक बार और करवा लेते भाई। छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे। टीका पीछे चलाई है। अच्छा जी थैंक यू सो मच। टीका सीधा करके एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा 17वीं ईद मुबारक। Yeah!
जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट भी आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी ये इश्क नहीं आसान बस 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 इतना 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 समझ दीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल लगी वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है जरा एक बार सुना कर दे जमाने को अपना बना कर तो देखा हमें भी तुम मोहब्बत की राह तो दे शुक्रिया क्या बात है भाई क्या बात है मजा आ गया नहीं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज शंकर 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 बाकी सब अपनी जगह लेकिन गाते तुम बहुत अच्छे हो नहीं वैसे नहीं हमारे मुल्क का सरमाया नहीं भाई का ह्यूमर इनकी आवाज इनके पेरेंट्स सारी इतनी पॉजिटिव है कि जो शो में भी होते बड़ा मजा जी क्या बोला आपने अभी और यही वाला यही नहीं कह रहे एक और सुनाएंगे भी ये तो वही शो हो रहा है और सबसे ज्यादा एक और यार नहीं सबसे ज्यादा जो आंटी झूम झूम के तालियां बजा रही थी ना तुम्हारे गाने के ऊपर वो सबसे पीछे बैठी हैं और जरा मुझे बताएं आप कैसे तालियां बजा रही थी झूम झूम के मैं इनको देख रही थी कैसे बजा रही थी तालियां जरा बताइए देख के खराब कैसे आप लोगों ने क्यों आप लोग इतने आराम से बैठे मुझे बेचैनी हो रही है घबराहट सी हो रही है मेरा दिल चाह रहा है कि उठा उठा के कोई काम करवाओ तुम लोगों से और जी ये देख रहे हैं सामने बोर्ड नजर आ रहा है एक और इम्तिहान है हम लोग हाँ कसाई को ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना है वो रास्ता भटक गया है उसकी मदद कीजिए तीन इधर आएंगे और आप तीन पीछे की साइड पे यही चीज लगी हुई है आप लोग पीछे रास्ता बनाएंगे और आप लोग आगे वो दूसरा है अच्छा ये दूसरा है भाई इधर क्या लिखा है वही मैप तो सही नहीं रिजवान का दुम्बा गुम हो गया उसकी मदद करें दुम्बा ढूंढने में आ जाओ भाई हीरा आ जाओ कैसे लेके जाएंगे बस ये लोग बताएंगे ना आपको ये पेन ये रहा ये लीजिए ये लीजिए और जी मैं क्यों अंदर 1 2 3 स्टार्ट अबे क्या ढूंढ रहे हो अभी तक तुम क्या हमने बना भी लिया हमने बना लिया एक्चुअली हम वर्चुअल या वैसे बेसिकली यहां से आ रहे थे यहां जाना हम तो जान रहे हैं ये समझ रहे हैं सारा तरफ जाना है तीन रास्ते आए हैं फंस गए ये क्या आप बहुत लंबा रूट हम ये समझ रहे थे भाई आ गया ना आ गया भाई इनका भी ये है हम जीत गए हां नहीं जीतने वाली टीम इधर आ जाए जरा मोड़ो भाई मोड़ो क्या हो गया वहाँ पे भी कैमरा है पहले आप ये दिखाएं कि पब्लिक को इधर देखें तुम लोग देखो पहले सच बताना तुम लोग कसम है देखें इन्होंने ली मोटर कितना मुश्किल है मुश्किल भाई मुश्किल है ये मुश्किल रास्ता ये हम लोगों का है मोड़ो भाई भाई वहाँ पीछे कैमरा है नहीं नहीं वही मोड़ ले भाई और ये इन लोगों का बताए हम लोगों का कितना मुश्किल है इन्होंने ऐसे बनाया तुम्हारी बातों का जवाब देती हूँ उसको जरा पीछे लेके जाओ इसमें तीन रास्ते हैं एक आसान वाला रास्ता है दूसरा मुश्किल है और तीसरा उससे मुश्किल है तुम लोग मुश्किल वाले से शुरू किया है स्टार्ट बताएं तीन स्टार्ट है इधर इसके बाद आसान वाला भी है देखो ये वाला भी है यहाँ से भी है ये यहाँ से भी है और एक यहाँ से भी अलग है जी बिल्कुल तो जी जीतने वाली टीम इधर आ जाए जरा We'll be right back.
पहले इतना नाचता था, आप क्यों नहीं नाचते? क्या हुआ? ये बहुत नाचियो मैं बताऊं, फिर उसके बाद और जी एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेंगे, मैं बोलूंगी कि देखते रहिएगा, आप सबने कहना है सतरंगी, ठीक है? तो जी कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। बातें कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और मेरा ख्याल है मंदी तैयार हो गई है क्या? है जी तैयार। तो आप वहाँ क्यों रखे रहती हैं तैयार करके चीजें? हमें भी लाके खिला, इधर आए ना हमारी प्यारी, ले आइए फहमीदा के लिए बहुत सारी तालियां। आइए ना हमारी प्यारी, वहीं जा रहे हैं। चलो भैया लोग वहीं जा रहे हैं लेने के लिए, यहां पे कहां रखेंगे? ठीक है माशाल्लाह। जवेरिया आप क्या बनाती हैं ईद पे, ये बताएं जरा। भाई मैं सबसे पहले सुबह कलेजी। अच्छा हेलो एक एक बात, हेलो एक चीज, एक चीज नोट करो, सऊद के हाथ में इतना बड़ा थाल छोटा सा लग रहा है यार, एक सर्व करा तुम लोगों को। ये एक चीज ये चले आ जाए जी। वाह वाह वाह, क्या मंदी है। मंदी का मैंने बड़ा जिक्र सुना है, आज देख भी ली। अरबिक डिश है। अच्छा आगे अपना शो भूल के मंदी में लग गया। अरब में बहुत अरबिक है और बहुत थोड़ी देर के लिए समझ लो। वाओ बहुत मजा, क्योंकि वो लोग आपको इंसानी। हेलो भैया, पता नहीं ये शो पर मैं बहुत नदीदी हो रही हूँ। भाई फहमीदा वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत अच्छी बनाई है। इसमें बहुत ईद कम ईद शोज में क्या नाम है, ये बकरे साबित रखे गए हैं सामने। हमें एक ईद शो में सऊदों में थे, हमें पानी नहीं मिला था। पानी नहीं मिला था, मेहमान का भी ख्याल करना, उनको भी कुछ डाल के दे दो। और जी खाना पीना शुरू हो गया नाज़रीन, मुझे लगता है कि हम हेरा शरीर भूखी है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। लेकिन देखिए ना, ये हाथ हाथ कौन सा कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, कितनी कमजोरी में। आ जाए आ जाए भाई, वो नाइफ ले आइए काटने के लिए। सो मच, ये बनला ये लाइन थी कि अगर किसी ने भी हाथ लगाया ना अच्छा नहीं होगा। सही बात है। और अदील साहब खाना खा ले तो अदील है, तुम ये जो साथ में लड़की बैठी है इसकी खूबसूरती में गाना तो गाओ यार। हां वैसे आप गाने गाने गाए हैं, तुम सिंगर हो प्रॉपर यार। अदील एक हो जाए, अदील का आगो अदील के डर पे नहीं, अदील नहीं खाना छोड़ दो, तुम्हें कसम है चावल खा के वैसे भी अच्छी आवाज निकल, कुर्बानी की ईद है, खाना कुर्बान कर दो। अदील जो दिल में वो लोगों को आज पता चली जाना चाहिए। रफी साहब जो थे वो बकायदा बिरयानी की प्लेट खा के मैडम नूरजहां अचार खा के फिर गूगल शुरू करते हैं और उसके बाद क्या गाएगा? ऐसा देखा खूबसूरत कोई जिस्म जैसे खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कमल जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरसा संदली संदली मरमरी मरमरी जावा की तारीफ आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नहीं आफरी 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 उसने जावा
तुमने अच्छा गाया और मुझसे मुझे बस तकलीफ ये कि नईम से क्यों गवाया बहुत अच्छा गाया और ये गाना फिल्म खिलौना में मुझ पे पिक्चराइज हुआ है। काश अगर तुम उस वक्त गाते होते मैं तुमसे गवाता। अरे यार दोबारा बना ले, दोबारा एक बार बना। खान साहब ने गाया। नहीं तो आपके ऊपर कैसे लगेगा ये गाना आफरीन आफरीन। हां सर खिलौना फिल्म भाई पहले मतलब पाकिस्तानी फिल्म लड़की बताए ना कौन थी आप? मीरा थी। मीरा थी। फ्री उन पे शूट भी किया होगा। पूरी फिल्म का पाकिस्तानी एक फिल्म का म्यूजिक दिया है वो उसमें हमारी एक फिल्म थी। नहीं वो एक्चुअली वो फिल्म में गाना आपके साथ था लेकिन कमिटमेंट उनकी किसी और के साथ थी। मानी बोल नहीं समझे उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। शमीदा क्या बना रही है? मानी लोगों ने जो बोटियां काटी है ना उसको बना रही हूँ। ताजा गोश्त बोटियां दिल से निकल गई भाई। एक और चीज बन रही है अभी लेकिन हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी ईद दोबारा। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी। और एक और एक्टिविटी। आहा आहा क्या देख रहे हो? इसमें हरे तोते कौन निकालेगा इसमें से? ठंडे बच्चे दी होती मेरी है जी। हाँ निकल जाती है। कैसे? अच्छा पता नहीं लगता कैसे कैसे ही। अच्छा पता क्या दो डालो और हर एक महीने बाद सब में से बच्चे निकालो। अल्लाह कसम भाई माशाल्लाह इतनी ग्रोथ। ये काम भी किया भाई ने। ये यही पोल्ट्री फार्म था अपना। तो जी छोटी सी एक्टिविटी हमारी और वो ये है कि इसमें ईदी छुपी हुई है। हाँ, बिल्कुल। इन मटकियों में आपने नंबर चूज करना है कोई भी नंबर। एक, एक नहीं नहीं आपको नहीं मिलेगी वो हमारी ऑडियंस को मिलेगी। और एक जो मटकी है उसके अंदर सबसे ज्यादा ईदी है। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा ईदी वाली मटकी जो है वो कौन चूज करता है। बिल्कुल ये कह लेते हैं ना ऑडियंस में से हम लोग छह लोग निकालते हैं भाई। हाँ, मजा आ गया। कोई खाने पीने वाला छोड़ेंगे हां चाय भी। आप पूछ सकते हैं उनसे नंबर पूछ सकते हैं। अच्छा ये भी होता है। हां बिल्कुल। तो जी आजे अदील सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। तो भाई आजे। अच्छा ओ और ये 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 बताइएगा जरा ये हथौड़ी के साथ जी हथौड़ी भी अपना। हां अच्छा हां जी इस साइड पे आ जाएं। कौन सा नंबर लेना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से आ जाओ। हां कौन सा? नहीं नंबर तो मैं अपनी मर्जी का। अच्छा अपनी मर्जी से ले लो भाई। अदील अगर ये हथौड़ी लेके ऐसे करो सर पे। अच्छा वो कह रही है वॉइस ओवर करा लेना बाद में। इससे बाद में वॉइस ओवर करा देना शो की अपनी वाली इसकी वाली इसकी वॉइस ओवर बाद में कर देंगे। टू ये नंबर सही है। लाइन में पकड़ के नंबर टू जी नंबर टू तोड़िए। अदील ऐसा मारता तब भी टूट जानी थी। अच्छा
अब जी ये पैसे जो है ये इतने गिरा दिए, लेकिन इतने खास पैसे नहीं मिले आपको, ये 50 रुपए हैं और बाकी 5-5 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं अधीन है, एवं इसके अंदर ज्यादा अपनी मर्जी से, तो अधीन पैसे तो उठाओ ना, ये मैं थोड़ी झुक के उठाऊंगी। आज पैसे की कदर हुई है मुझे, है ना, जमीन से उठाने से, वो वहाँ पे गिरे हुए वो भी उठाइए, शाबाश जल्दी, ऐसा करो झाड़ू भी ले, वो भी सफाई भी कर, बल्कि मॉप भी कर दो प्लीज यार, मॉप भी कर दो, भाई कोशिश करते ना कि तुम और भी है, ठंडियां ठंडियां बहुत है, 50 रुपए और बस बहुत है, ये अपने पैसे वहां लेके जाइए, बैठिए अपने ये लेके जाओ, किसको दूं, अपने पास रखो ना, भी ऑडियंस में देंगे, अच्छा जी सऊद साहब आ जाइए, अरे यार अपनी टोकरी लेके आइए, मुझे पता है वो तो। कौन सा नंबर, दो नंबर तो तोड़ दिया अदील ने, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 कोई भी तोड़ रहा था ना, नहीं नहीं बताया कौन सा, मुझे की नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ से देखना पड़ेगा ना, नंबर बता देना, बता तो रही हूँ 8 तक है, 7 नंबर, अच्छा चले मेरा, अच्छा चले कोई और, 3 चले सही है, ये भी तरीका सही था वैसे, हाँ वैसे बात, ज्यादा दवाई नहीं बचाई आपने, भाई बहुत सारे हैं इसमें तो, 100 200 300 400 तकरीबन 500 रुपए, ए बाबा कितने रोल लिया, कितना कमाया, ए बाबा अल्लाह का शुक्र है, अब लो मार मार के निकाला, नूर आ जाइए, अरे नूर आइए, नूर के लिए तालियां, आ गई, हथौड़ी दीजिए, बहुत परेशान है ये, और मुझे यकीन है कि नूर तोड़ लेगी ये मटकी, कौन सा नंबर, नंबर 8 नूर नंबर 2, सब गिरा दिए नूर ने, चले जी नूर पैसे जमा करिए, स्टार्ट, सऊद के पास आ चुके हैं नाजरीन, और जी मानी आ जाइए, अच्छा जवेरिया आप जो ये हमारे म्यूजिशियन हैं इनको कुछ कहेंगे, शो देखने आए हैं, इनको याद दिलाना पड़ता है कि म्यूजिक बजानी है, हाँ जी, हाँ क्या नंबर ही, अच्छा जी आगे से हैं नंबर, एक हथौड़ी वहां मार के फिर यहाँ, 5 4 1 पब्लिक अरे पब्लिक कह रही है वन पे बहुत जोर है, वन पे सही है, रवन वन ये रहा, इधर से आ जाओ, इधर से आ, 1 2 अरे देखता हूँ कोई लड़की हसी नहीं, अबे मार दे भाई, भर भर के ले आए, 250 अरे भैया इतना सारा पैसा, सारे पैसा भर दिए हैं, और इतना पैसा है बाबा, 250 बाबा, अरे बाप रे बाप, कहां निकला, अरे 250 निकला, बस 250 निकला बस, अरे बहुत मेहनत किया, और क्या कह रहा है भाई, बहुत मेहनत किया, ठीक कर भाई, अरे सारे बोल रहा है, चलो 7 को एंगल देख के मार दे ना, तोते हैं, ब्लू ले ले तो ब्लू ले लो, 7 7 चलो जी, ये मेरा फेवरेट काम है ये, क्या
हो गया बाबू, बहुत पैसा मिला आपको। नहीं तुम्हारी हेलमेट नहीं, इससे पहले नहीं पहले तो रखी टोपी यार, वैसे बाकी हेलमेट ही लग रहा है ये, मैं पहनूंगी दो हेलमेट ही लग रहा है ये, ये देखो अच्छा हाल ही गंदा पीले हो जाएंगे ये साला, ब्रो ब्लो ड्राई ना 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 आप रूफी, तुम्हारे जितने नंबर रह गए हैं उनमें मैं तो वाकई में क्या कहते हैं कचोला, चार नंबर है और पांच नंबर है और तीन हो गए, तीन हो गए, दो ही है किए बस, चार पांच छह हम नहीं आ रहे नहीं चार पांच छह, दो ये हो गए और एक ये तीन हो गए। जुलेखा रूफी अचानक मीठे हो गए ना, अचानक मीठे क्या है ये, पाकिस्तान के मशहूर भैया दो दिन ज्यादा है, क्या बात कर रही है, ये दो मटकियां रह गई हैं, मैं चाह रही हूं कि ये भी मैं तोड़ ही डालूं, ये आप ही तोड़ दें, क्या कहते हैं फहमीदा, टक्कर मार के तोड़ दो, हां नहीं हां हां तोड़ दो, तोड़ो हां एक सेकंड, एक उनसे भी तोड़ो ना फहमीदा, अरे हां गाना बजा रही है, टक्कर मार के किससे तोड़वा, चुप करो ना, चुप करो ना, बजा रही है लेकिन मैं अब ये आखिरी और नंबर चार की मिट्टी तोड़ रही हूँ, 1 2 3 और ये 500 का नोट किसी का निकला नहीं, इसमें 1500 रुपीज है, इस मटकी में सबसे ज्यादा पैसे हैं। अभी और भी गिरे हैं भाई, ये रहे ये रहे, सुकून नहीं है पैसा, बहुत सुकून नहीं, अब सुनो 100 वाले और पड़े कहां है, ये छोटे 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 सारे, ये भी है, हां लाइए 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 भाई, इनकी बड़ी वैल्यू है पैसों की ना, हम इस जमाने में ये रहे, तो मैं बड़े सालों बाद देख रहा हूं ये वाले हैं, बहुत साल बाद, नईम मगर ना भाई मुबारक हो, नईम तुम्हारी पेमेंट हो गई, रख लो रख लो, कोई नहीं भाई, नूर को भी दे दो बेचारी, शो देख रही है, शो देख रही है बेचारी, हां नहीं हां बड़े अभी, अच्छा भाई ब्रेक पे जा रहे, जाते जाते एक गाना आपका होना चाहिए, बहुत सारी तालियां मानी के लिए, ये एक्चुअली मैं तुम्हारे गाने का सब जाके, एक्चुअली मैं शोध मेरी गाता गाने जानू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं बिल्कुल, लेकिन आज मैं गाना गाऊंगा नूर के लिए, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि तुम्हारे लिए तो मैं रोजाना गाता हूं, वो बेचारी वहां अकेले बैठी हुई है बेचारी, उसको भी लिफ्ट नहीं करा रहा, और आदिल साथ बैठा है फिर भी लिफ्टिंग करा रहा है, हैरत की बात है, नूर इधर आओ यार, तुम भी आओ, चेहरा है या चांद खिला है,
होने वाला है, लेकिन हिदायत की फरमाइश है कि मैं अपने मियाँ के लिए एक दो बोल गाने के गाना चाहती हूँ, तो इनका ये इनकी फरमाइश पूरी की जाए। ईद का दिन है आज। क्या क्या आपको बहुत खुशी है कि मानी तुम्हारे लिए और भी गाए भाई, वो डैडी बोला था तो डैडी का मतलब ना बच्चों के डैडी, बच्चों के। हाँ नहीं बेबी बोल दिया था, नहीं मैंने बेबी और मानो बोला था, एची जी 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 लगता एक्चुअली इनकी शादी भाई इनकी शादी 124 साल हो गई, हमारी शादी को सिर्फ 8 साल हो गए। नहीं 24 साल बाद भी ऐसी रहूंगी। 124 साल मैंने बोला, 124 साल मैं गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी प्रोग्राम का वो खत्म हो गया है, आज ईद का दिन था, हमने आपके साथ ईद मनाई, हंसे खेले खाया पिया, गाने भी सुनाए, आपको गाने गाए भी, यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मेरे बहुत ही प्यारे तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं आप लोगों का। थैंक यू सऊद, आपका भी शुक्रिया बहुत। और जवेरिया आप जिस तरह शो पे हंसती हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसा हंसता बसता रखे, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, बहुत ही ज्यादा अपनाइए सऊद आपको इसी तरह। और जवेरिया आप जबरदस्त होस्ट हैं, आप जो एनर्जी फेंकी है ना यहाँ पे, कहते हैं जब आप होस्ट की एनर्जी देखते हैं तो फिर गेस्ट खुद ही एनर्जेटिक हो जाते हैं। थैंक यू जवेरिया, सारा क्रेडिट आपको जाता है, आप भी बहुत अच्छी होस्ट हैं। आज ईद के मौके पे आप दुआ करें कि मैं हीरोइन बन जाऊं। आप हैं हीरोइन, बनने की क्या जरूरत है आपको, इसके लिए तो आप हीरोइन ही हैं। आप ईद के दिन कुछ कहना चाहेंगे? ईद के दिन आज जिस तरह खुशी पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और जिस तरह हम लोगों ने आज एंजॉय किया है, ऐसा लगा बिल्कुल जैसे पता ही नहीं लगा कि मैं शो कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा घर जैसा माहौल बना, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मानी, आप क्या कहेंगे लोगों के? जितने भी लोग हैं वो इस दफा मजीद खुशी से, बहुत खुशी से ईद मना रहे हैं, लेकिन ये कि वही वाली बात है, बकरा लें तो यार दूसरे का भी ख्याल रख लें यार। हाँ। बहुत जरूरी है, हर दफा बोलते ही बातें। और खा लेने वाला तो इसमें कोई नहीं है, खा लेने वाला कोई नहीं, लेकिन गोश्त। और जब मैं अपने खानदान वालों के लिए थैलियां बनाती हूँ ना, ये सबसे ऐसे खड़ा होता है क्योंकि सारी राने नहीं पता क्या होता क्या है, दिल की आग, दिल की आग। ये अब ये हीरा है, और ये थैलियां खा रही, ये मेरे अभी आगे देखना किसके लिए? खाला बहुत गरीब है बेचारा। कम कर यार, कम थोड़े थोड़े तो है, थोड़े थोड़े के लिए थोड़ा सा। अच्छा अम्मी के लिए भी निकाल दो मेरी यार, अम्मी के लिए। और से याद है उनके यहाँ तो हो रही है कुर्बानी, उनके यहाँ तो कुर्बानी हो रही है ना। बांध के मेरी थैलियों पे इसकी नजर आती है। यकीन करें माशाल्लाह दोनों क्या करते हैं, उसके बाद हम नीचे भी नहीं जाते। सीरियसली बकरा ऊपर आया था, थोड़ी देर बाद बातें कर, थोड़ी देर बाद दीदी। एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ एक मिनट, जो आपका माइक में कुछ हुआ है आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह से हम दोनों कुर्बानी जब हो जाती है ना वहाँ पर, तो हम दोनों फिर ऊपर का चले जाते हैं, फिर नीचे खुद ही पकड़ा होता है, खुद ही बट रहा होता है, खुद ही नौकर बांट रहे होते हैं, सब आपस में लड़ रहे होते हैं। ऐसे ही है, अच्छा है, गरीबों के लिए जबरदस्त। अदील आप क्या कहना चाहेंगे ईद के? मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बाकी जो भी आप कुर्बानी करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि सारा गोश्त गरीबों में बांट देना चाहिए। और इस ईद पे जो है बकरे के बाद कुछ घर में इन दिनों में भी एक तो मीठी, इन दिनों में मीठा भी बनाया करें कुछ। बिल्कुल इस तरह की बात की कहूंगी, और कहूंगी कि इस ईद पे भी ईदी दिया करें, वरना सिर्फ छोटी ईद पे देते हैं। ईदी देनी चाहिए इस ईद पे भी, वाकई। और नूर सब लोग कहते हैं बकरा ईद कैसी ईदी, बकरा ईद। अदील आप बड़े भाई हैं, इसको ईदी दें। पर हमारे पूरे पाकिस्तानी फोर्स को सलाम, बिल्कुल शोधा को सलाम, और सबको उनको भी बहुत बड़ी मुबारक, पाक रेंजर्स को सलाम। ईद कुर्बान है तो कुर्बानी का जज्बा ही होता है, तो ये हमारी फोर्सेज, हमारे जो लोग हैं जो बेचारे इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, उन सबको हमारा सलाम, ईद मुबारक। और पाकिस्तान से बाहर जो मेरी फैमिली देख रही है, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, उन सबको ईद मुबारक।
और शमिता कढ़ाई तैयार हो गई है? बस हो रही, 5 मिनट। शमिता आप क्या कहेंगी जाते जाते, एक मैसेज छोटा सा? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और मैं कहूंगी कि ईद के दिन बारबेक्यू बनाएं और फैमिली को बुलाएं। फैमिली को बुलाएं। आइए आइए। शबी शबी, ईद का दिन है आज, और ईद के दिन जाहिर है सब खुश होते हैं, तुम्हारे घर वाले भी देख रहे होंगे, और तुम्हारे वो घर, वो दोस्त अहबाब जिनको तुम वहाँ छोड़ आए, जिस शहर से तुम यहाँ कराची शहर आए हो, उनको क्या कहना चाहोगे? सबको बोलूंगा कि प्यार बांटें एक दूसरे को, घूमें फिरें, बारबेक्यू एंजॉय करें, और सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रूफी थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। हेरा बड़े अच्छे बाद मुलाकात हुई लेकिन बहुत मजा आया। मानी थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ शो करके, क्योंकि जब अपने हो और अपने अपना प्रोग्राम समझ के शो हो रहा हो तो फिर बहुत मजा आता है। थैंक यू थैंक यू सो मच अदील, बहुत शुक्रिया। नूर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात बुरी लगी हो किसी को तो मैं क्या कर सकती हूँ, ईद मुबारक ही कह सकती हूँ। और शबी एंड में गाना गाएंगे, आप दोनों ईदी जरा बांट लें जो पैसे जमा किए थे। और शबी गाना जे हार गई तेरी सोठो ना मर जावगी मैं, जो तेरी मेरी गल्ला बनी, जो तेरी मेरी गल्ला बनी। खुशियां मजा जवाली आग गई, सोठो में कुड़ी अजे हार गई तेरी सोठो ना मर जावगी मैं, जो तेरी मेरी गल्ला बनी, जो तेरी मेरी गल्ला बनी। तेरी सौ ढोला मर जावा की मैं, के तेरी मेरी गल्ला बनी हो, के तेरी मेरी गल्ला बनी, के तेरी मेरी गल्ला बनी, के तेरी मेरी गल्ला बनी।